वेलकम टू बायोलॉजिकल साइंस क्लासेस फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की, जो 12th का भी है, लॉन्ग क्वेश्चन है बायोलॉजी का, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार देखें, व्हाट इज एड्स, अब एड्स क्या है इसके बारे में जानना है कि एड्स क्या है, इसके बारे में लिखना है। और गिव अकाउंट ऑफ इट्स पैथोजेन, ट्रांसमिशन, इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, सजेस्ट मेजर फॉर इट्स प्रिवेंट, और इसके बारे में इसका पैथोजेन, ट्रांसमिशन, इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, सजेस्ट, और इसका जो सजेस्ट है उस सब के बारे में लिखना है। उसके बाद दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, उसके जितने भी ब्रांचेज है, जितने भी पार्ट है, वो सभी को लिखने हैं, जितने भी फाइलम और बायोडाइवर्सिटी मेनली WH बिटकर का जो भी है, फाइव किंगडम, बहुत सारे किंगडम लिखना है, उसमें से कुछ स्पेसीज है, उसका इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका महत्व है, उसके बारे में कुछ टॉपिक उसको लिखना है। उसके बाद है नंबर 3, व्हाट इज पीसी कल्चर, मेंशन इट्स रोल इन इनरिचमेंट ऑफ आवर फूड, मतलब कि वो पीसी कल्चर क्या है, यानी कि मछली पालन क्या है, तो मछली पालन के बारे में लिखना है, और इसका रोल यानी कि हमारे भोजन में इसका क्या गुणवत्ता होता है, और इसका क्या बेहतरीन काम है, और इसका क्या पीसी कल्चर के द्वारा क्या किया जाता है, पीसी कल्चर कैसे करते हैं, यानी मछली पालन कैसे करते हैं, उनकी सारी विधि, उसको कैसे पाला जाता है, कैसे खाना दिया जाता है वगैरह, सब इसमें मेंशन करना होगा और सब लिखना होगा। उसके बाद है, व्हाट आर माइक्रोब्स, डिस्क्राइब ए रोल इन ह्यूमन वेलफेयर इन ब्रीफ, अब माइक्रोब्स क्या है, माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं डैट एनिमल डैट वी कांट सी इन नेकेड आई, वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक होता है, उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, और उसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, और उसका ह्यूमन पे यानी कि हमारे ऊपर क्या उसका इम्पोर्टेंस रोल है, उसका क्या 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 उसकी सुविधाएं है, क्या क्या उससे हमको लाभ है, उसका लाभ लिखना है, और उसके बारे में अच्छी बातें लिखनी है, और उससे कुछ हानि भी होती है, सबके बारे में डिटेल से लिखना। उसके बाद कमेंट अपॉन ए कैंसर इन ब्रीफ, मतलब कैंसर के ऊपर एक कमेंट लिखना है, कमेंट का मतलब ये नहीं कि 4 लाइन लिख करके छोड़ दें, कैंसर का सिम्टम्स क्या है, यानी कि उसके क्या लक्षण है, उसका कैंसर का कैंसर किस तरह से होता है, होने के बाद कितने लक्षण होते हैं, इसके कितने स्टेज होते हैं, और ये किस दवा से ठीक होती है, और साथ में ये भी लिखना है कि इसे बचा कैसे जा सकता है, और इसका यूज सभी कुछ लिखना है। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन इट विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा है उसी तरह डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है इसके बारे में लिखना है एक्सप्लेन में, और विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम के साथ बनाए, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर आप फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।